हिमाचल प्रदेश करुणा मूलक संघ ने अपनी मांगों को लेकर विधायक नरेंद्र ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर हिमाचल करुणा मूलक संघ के मीडिया प्रभारी रजत सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने विधायक नरेंद्र ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि करुणा मूलक आश्रितों के करीब 4500 मामले विभिन्न विभागों बोर्ड निगमों में लंबित पड़े हैं और सरकार करुणा मूलक आश्रितों के हितों में कुछ निर्णय ले और आगामी कैबिनेट में वन टाइम रिलैक्सेशन का उपहार देने की कृपा करे। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मांग की है कि सरकार जल्द आश्रित करुणा मूलकों को नौकरी देने का निर्णय लेगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि आगामी कैबिनेट में करुणा मूलक आश्रितों के हित में निर्णय लेकर सरकार वन टाइम रिलैक्सेशन की घोषणा करे। मैं करुणा मूलक संघ का मीडिया प्रभारी, हिमाचल प्रदेश का मीडिया प्रभारी रजत पठानिया। हम सरकार से ये मांग रख रहे हैं कि हमें वन टाइम सेटलमेंट के तहत नौकरी प्रदान की जाए। 4500 हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक के 4500 केस हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें वन टाइम सेटलमेंट के तहत नौकरी प्रदान करे। हम काफ़ी लंबे अरसे से सरकार को नौकरी देने के लिए बोल रहे हैं, पर सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है। तो आज हमने माननीय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी के द्वारा जो आगामी कैबिनेट की बैठक है उसमें हम कैबिनेट की बैठक में हमारी मांग नरेंद्र ठाकुर जी हमारी मांग रखें। हमें सरकार से काफ़ी उम्मीद है आने वाली कैबिनेट में। हम बहुत आस रखते हैं सर आने वाली कैबिनेट में। तो हम जिसने अपने घर का सदस्य खोया है उसको ही अपने घर की हालत का पता होता है। हमारे घर की हालत बहुत दयनीय है। तो हम आज प्रतिनिधिमंडल करुणा मूलक संघ का प्रतिनिधिमंडल हमीरपुर में स्थानीय विधायक जो नरेंद्र ठाकुर जी हैं इनसे जो हमने ज्ञापन दिया ये करुणा मूलक संघ के लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए दिया।